हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जीके एजुकेशन में। एक खास सूचना नवोदय के दर्शकों के लिए। देखिए, आपको चैनल के अंदर जाना है, जीके एजुकेशन में क्लिक करके आप चैनल के अंदर आ जाइए। कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपके कोई भी डाउट्स हैं, कुछ प्रश्न हैं जो कि आप जवाब चाहते हैं, तो आप हमारे सोशल मीडिया से जुड़ करके खूब बेहतरीन डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग जुड़े हैं। आपको जवाब हमारे द्वारा और उन फ्रेंड्स के द्वारा मिल जाएगा जो सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, यहां से आप ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक को पेज को फॉलो एंड लाइक करके आप यहां पर ग्रुप डिस्कशन करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो इनको दोस्तों आप डायरेक्टली क्लिक करके आप फॉलो हमारे चैनल से प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए पूरे तरीके से। दूसरा, यहां पर आप जाएंगे कम्युनिटी टैब में। प्यारे मित्रों, आप जैसे कम्युनिटी टैब में क्लिक करेंगे, नीचे आपको आना है। यहाँ पर मैं बेहद गंभीर शानदार मुद्दों पर आपसे राय लेता हूँ, तो मैं नवोदय के दर्शकों से कुछ राय चाहता हूँ कि आपके हिसाब से। पहला पोल मैंने क्रिएट किया कि आपके हिसाब से आपकी कट ऑफ कितनी हो सकती है नवोदय प्रवेश परीक्षा में। ओके, तो यहाँ पर 18 वोट अभी तक मिले हैं, इन्होंने देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह वोट किया है। ठीक, इसके बाद दूसरा पोल था नवोदय प्रवेश परीक्षा गर्ल्स ने कितने सही प्रश्न किए, तो गर्ल्स वाले यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ पर 10 वोट्स हैं। इसके अलावा मैंने बॉयज के लिए भी अलग से पोल क्रिएट किया, यहाँ पर 4 वोट्स हैं। तो आप सभी को यहाँ पर पोल में जोरदार पार्टिसिपेट करके बेहद शानदार मुद्दे के साथ मैं एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा कट ऑफ की, कि बॉयज ने कितना वोट किया, उस बेस पर सारी जानकारी डिस्कशन करूंगा। इसके साथ मैंने नवोदय प्रवेश परीक्षा आपने कितने सही प्रश्न किए यहाँ पर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 6 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैं अलग अलग तरह से आपको कम्युनिटी टैब में बेहद शानदार जानकारियां देता हूँ। तो नवोदय के जितने दर्शक हैं ये सारे पोल में पार्टिसिपेट करें, जैसे कि आपके हिसाब से कट ऑफ क्या हो सकती है, जो भी है आप वहां पर क्लिक करके वोट करिए। और गर्ल्स ने कितने सही प्रश्न किए वोट करिए, बॉयज ने और आपके हिसाब से टोटल कितने प्रश्न सही किए। ठीक है, तो अभी कुछ पोल्स और क्रिएट करूंगा और रिजल्ट की बात कर ले तो रिजल्ट आपका फेज टू के पहले आने की संभावना नहीं है। हालांकि मैंने कुछ वीडियो में आपको मार्च लास्ट बताया है, लेकिन आप खुद समझिए जब तक पूरा एग्जाम नहीं होगा रिजल्ट आ ही नहीं सकता। यदि कोई वीडियो बना के आप उसे धोखाधड़ी कर रहे हैं कि अभी रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो साफ साफ आपसे झूठ बोले। आप खुद बुद्धि लगाइए, जब तक एग्जाम नहीं होगा रिजल्ट कैसे दे सकते हैं। रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं, तब तक सीट का डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो सकता। क्लियर, तो रिजल्ट आपका फेज टू होने के बाद ही आएगा, बस फर्क ये होगा कि रिजल्ट जल्दी आएगा। क्लियर, आपका फेज टू होने के बाद मींस मान सकते हैं 10 से 12 दिन या 15 दिन, इससे ज्यादा नहीं। तो दोस्तों आपको पोल में पार्टिसिपेट करके आपको जितने पोल्स मिले नवोदय से रिलेटेड सारे में वोट करिए। और हमारे कुछ अन्य चैनल भी है, जैसे हाईटेक भारत, सच का भौकाल, इन चैनल से जुड़कर आप टेक्निकल भी बन सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जीके एजुकेशन 2.0 भी बना रखा है, जो कि कक्षा 5 से 6 तक की वीडियो आपको, सॉरी पीजी से लेकर के कक्षा 5 तक की वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।